इसे पानी में डालते हो? यूरिया में मिला के वर्टिको मिला के डाल रहे हैं किसान भाई, पानी में डाल रहे हैं। किसान भाइयों, मैं आज दोराला गांव के जंगल में हूं और यहां भी किसानों ने ये 27 इंच पे गन्ना बो रखा है। पिछले साल पौधा था, पेड़ी है, ये झोटे से जुताई कर रहे थे लेकिन कुछ खेत कैड़ा था, थोड़ा सा जोत के छोड़ना पड़ा। पेड़ी बहुत सुंदर है। किसान से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बताया कि मैंने टंच विधि का 4-5 साल पहले बोया था जिसमें 11 इंच पर 2 खूड़ आते हैं और पैदावार वाकई ज़्यादा निकली, मतलब 2 खूड़ तो पास पास में थे 11 इंच पे, फिर 36 इंच छोड़ा गया, फिर 2 खूड़ थे और वो सीढ़ी टाइप बोया गया। बताया कि बहुत अच्छी पैदावार हुई लेकिन दिक्कत क्या हुई, एक तो उसमें जब मट्टी चढ़ाई गई ऊंची डोल हो गई थी तो ठेकेदार को दिक्कत आई चलने में, उन्होंने कहा भाई ऐसा मत बो वरना हम नहीं आने के। तो इन्होंने बताया कि वाकई पैदावार बड़ी थी लेकिन ठेकेदार नाराज हो गए और उसमें ट्रॉली भी नहीं घूमती थी, साइज सही नहीं था, तो इसलिए मुझे छोड़ कर वापस इस पर आना पड़ा। क्योंकि उसमें क्या है, 2 खूड़ तो पास पास में है तो इसके 3 खूड़ उतनी दूरी में, उसके 4 खूड़ आते थे तो उसमें गन्ना भी ज़्यादा लगता था। अब देखिए यहाँ भी किसान ने यही 27-28 इंच का साइज है हमारे यहाँ ये बो रखी है। ये गेहूँ कटने के बाद भी गन्ना इसी साइज में बोया जाएगा। क्योंकि टंच विधि से कुछ लोग इसलिए डरते हैं, 5 फुट पे जिस तरह हमने बोई है उस पे तो किसान कई किसानों के विचार हैं कि जब पैदावार घटेगी क्योंकि 5 फुट तक दूसरी लाइन नहीं है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा लेकिन हमने बोया है। जो टंच वाले हैं वो बता रहे हैं कि वाकई ही बढ़ेगी, अब किसका विश्वास करें किसका ना करें ये तो खुद एक साल बाद हम खुद बताएंगे ईमानदारी से कि हमने क्या खोया क्या पाया। फिलहाल तो ये लग रहा है कि बीज भी कम लगा।